इधर की तरफ पूरा खाने का अरेंजमेंट है। पतली वाली है, थोड़ा सा पतली सी है। वाव गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं बडोंग बीच के पास, बंगला मार्केट। ये वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं शांत हूँ और आप देख रहे हैं क्लासिक मॉम के व्लॉग्स। आज डेट है 21, बज रहा है 8:10 और अभी हम लोग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि 8:30 पे आ रही है हमारी कैब, वो हमें लेके जाएगी फेरी के पास जहाँ से हम जाएंगे 7 आइलैंड टूर पे। तो ये देखो भाई, ये रहा आज का ब्रेकफास्ट हमारा, जूस, सारा ब्रेड है, सब कुछ सब, बाकी सारे ऑप्शन नॉन वेज हैं। तो हम जिंदा हैं सिर्फ जूस पे और फ्रूट्स पे, या पोटैटो और ये ब्रेड। बाकी ऑप्शंस में था दाल चावल था। सुबह दाल चावल खाने का मन नहीं है क्योंकि काफ़ी हैवी फील हो रहा है। पिछले वाले उसमें रिजॉर्ट में हमें काफ़ी अच्छा, मतलब ब्रेड अलग अलग तरीके की थी और पैनकेक था, क्रोसांस, मफिन्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती थी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है। जेम्स बॉन्ड आइलैंड की फेरी लेने और ये रही हमारी गाड़ी, इससे हमें जाना है। चलिए बैठते हैं अंदर। ये देखो ये अलग सी चीज़, यहाँ पे गियर सिस्टम कैसे है गाड़ी में, अलग से ऊपर पे है गियर सिस्टम। लोग आ गए अपने बोर्डिंग पॉइंट पे, यहाँ से हमें बोट ले जाएगी 7 जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर पे। और यहाँ पे ये बैंड टाइप का एक मिलता है और ये बैंड पहनना होता है और कॉम्प्लीमेंट्री टी कॉफ़ी स्नैक्स है वॉशरूम में यूज़ करने के लिए। और दूसरा हम लोगों ने एक यहाँ से ये लिया है वाटर प्रूफिंग के लिए फ़ोन की, और इधर की तरफ पूरा खाने का अरेंजमेंट है। तो बाकी ये सारा खाने का अरेंजमेंट जो भी है स्नैक्स का, ये पूरा फ्री रहता है और काफ़ी बढ़िया है खाने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं बोट की तरफ, इतना एक्साइटेड। आज जेम्स बॉन्ड आइलैंड पर अभी बताया हम लोगों को कि ऐसी दिन में कोई वाटर एक्टिविटी नहीं होगी, शाम को वाटर एक्टिविटी है, केव के अंदर कयाकिंग कराएंगे। और ये सुनकर थोड़ा डर लग रहा है कि छोटी जगह है और पानी थोड़ा कम सा होगा, लेकिन मतलब जाना होगा अंदर। हाँ वहाँ पे मतलब ये है कि हम चल वल सकते हैं, फ़ोटो वोटो खींच सकते हैं, इसीलिए नहीं डर मुझे नहीं लगता। और हम लोगों ने एक फ़ोन कवर भी लिया है जिसमें अपना फ़ोन रखेंगे क्योंकि भाई बार बार आना जाना पड़ता है बैग के पास, तो सेफ्टी के लिए ले लिया जिससे अच्छी अच्छी फ़ोटो और आपको बढ़िया वीडियो दिखा सकें। तो भाई ये गाड़ी है जिससे हम जा रहे हैं और इधर से सब लोग आ रहे हैं टाइप के, यहाँ पर फैन वैन सब दिए हुए हैं ये बस में और बाकी सब लोग बैठ गए। भाई हमने कयाकिंग स्टार्ट कर दी है, बोट से उतर के यहाँ पर कयाकिंग करने जा रहे हैं। बस एक चीज़ है यार कि उसमें मतलब बहुत लोगों को रिकमेंड नहीं करा कि लाइफ जैकेट पहननी है, ऑल्दो कह रहा था कि पानी वहाँ पे कम है, मतलब डूबने वाला नहीं है, सिर्फ कमर तक है, बट मुझे ये थोड़ी एक चीज़ लगी। बाकी ये व्यू देखो, यहाँ से निकलते ही पीछे एक एकदम अलग सी दुनिया है और यहाँ पर पूरे केव्स टाइप के हैं जिसके अंदर अंदर हम लोग जाएंगे। कैसा लग रहा है निशा? निशा एकदम एंजॉय कर रही है, बहुत गजब का व्यू है। पहली केव के अंदर जा रहे हैं, बहुत बहुत एक्साइटिंग है, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहा हूँ। थोड़ा सा पतली सी है, वाव ये पूरी ऐसी रहती है अंदर से, हाई टाइड के समय पूरा पानी के अंदर हो जाता है, पूरा लाइमस्टोन है जो फॉर्म हो गया है। ये जैसे जैसे बीच में चट्टाने हैं जिसकी वजह से सिर बचाना पड़ रहा है हम लोगों को। तो ये हम लोग एकदम बीचों बीच आ गए हैं केव के और ये एकदम यहाँ पे एक छोटा सा पूल टाइप का बना हुआ है। Thank you.
गए अपने पहले आइलैंड पे, जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे। और इसका नाम जेम्स बॉन्ड आइलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जेम्स बॉन्ड की शूटिंग हुई थी। ऐसे इसमें आगे नेल शेप का एक वो है पत्थर, जिसकी वजह से इसे टापू कहते हैं यहाँ की थाई लैंग्वेज में। और यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करने की भी जगह है। यहाँ पे 30-40 मिनट मिलेगा हम लोगों को रुकने के लिए। उसके बाद हम लोग एक फिशरमैन आइलैंड है यहाँ पे जाएंगे अपने लंच के लिए। और ये रहा पूरा मार्केट। हम लोग जेम्स बॉन्ड आइलैंड एक्सप्लोर करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ से पूरा जेम्स बॉन्ड आइलैंड का व्यू आता है। और थोड़ा सा बस सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ के हम सीधा टॉप पे पहुँच जाएंगे। जेम्स बॉन्ड आइलैंड के बाद हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह जो बहुत लोगों को नहीं पता होती है बट अमेजिंग है। और जिनसे हमने पैकेज लिया था उन्होंने इसको इंक्लूड करके दिया, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आएँ। ये है पंजी आइलैंड, जिसे फिशरमैन आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ पे हम करेंगे लंच। और यहाँ पे बहुत टाइम पहले से लोग जो रहते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। इनको भी अब थाई नागरिकता मिल गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर। ये मेन सिटी से यहाँ भेजा जाता है। और ये देखो एक बार आप, ऐसा स्ट्रक्चर है। ये सब लोग यहीं पे ही रहते भी हैं, पूरा बसेरा यहीं पे ही है। और रेस्टोरेंट्स और टूरिज्म के थ्रू इनका सर्वाइवल होता है यहाँ पे। तो एक बार यहाँ आना, मस्ट रिकमेंडेड, बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ पे क्रैब और बाकी सारी चीज़ें इस तरीके से रखी रहती हैं। और ये साइड है वेजिटेरियंस के लिए। बेस्ट चीज़ ये है कि नॉन वेजिटेरियंस का अलग है यहाँ पे, वेजिटेरियंस का उनसे थोड़ा दूर रखा गया है, जो कि मुझे सबसे बढ़िया लगी और यहीं पे सब देखने मिले। और खाने का ऑप्शन ये देखो आप क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। और चलो फाइनली कुछ खाते हैं। यहाँ पे लिए नूडल्स, पाइन एप्पल और पकौड़े। नूडल्स उतने टेस्टी लग नहीं रहे खाने में जितना सोचा था। यहाँ पे खाने में मोस्टली थोड़ा सा मीठा मीठापन रहता है, जो कि हम इंडियंस को पसंद नहीं आता क्योंकि हमें स्पाइसी खाने की आदत रहती है। बट ठीक है, खाने के लिए सही है। स्टोन से निकल के यहीं से रास्ता है पंजी विलेज जाने के लिए। अब पंजी विलेज जाके देखते हैं क्योंकि बहुत पुराना विलेज है, तो एक बार जाके देखते हैं कैसे क्या घर है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। और ये पूरी मार्केट यहाँ पे, यहाँ पे आप आके शॉपिंग भी कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, बार्गेन बहुत होता है तो वो आप कर लेना क्योंकि हैवी बार्गेनिंग चलती है। खाना खाने के बाद हमारी भी ऐसी कुछ हालत होती है। ये मैडम भी आराम से रिलैक्स कर रही है। और भाई ये देखो यहाँ पे एक गिद्ध बैठा हुआ है आराम से। ये सारी चीज़ें अलग ही मिल जाती हैं आपको देखने को। इस तरीके के थोड़े घर हैं। और ये बाल वाल कटवाने की जगह है, डबल स्टोरी घर है, सब पूरा समुद्र के ऊपर ही है। कई घर बहुत सुंदर सुंदर भी बने हुए हैं, बहुत प्यारे हैं ना। और ये इस तरीके से पूरा पटरे कैसे बने हुए हैं इसी पे पूरे जाने का। ओ भाई साहब ये देखो इनको, अरे भैया हट जाने तो गिर जाओगे नीचे। मस्त लेटी हुई है मोटी मोटी। पन्नक आइलैंड, ये एक केव टाइप की है जहाँ पे लो टाइड में पूरा खाली रहता है। और यहाँ पे जो फिशरमैन है वो आते हैं, आके यहाँ पे कभी कभी सो भी जाते हैं और अगले दिन जैसे ही पानी का लेवल कम हो जाता है वो फिर यहाँ से अपनी बोट लेके निकल जाते हैं। बाकी केव देखो बहुत सुंदर सी है। गजब की नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे और बिलीव ही नहीं हो रहा मतलब कि कैसे लोग यहाँ पे पूरा चीज़ें ढूंढते हैं और आगे रहते हैं और फिशरमैन हर रात यहाँ पे रुक जाते हैं। पता नहीं इसमें आ रहा है कि नहीं बट ये डायमंड की तरह चमकता है। थोड़ा सा फ़ोन मूव कर रहा हूँ। और ये सारा कुछ ऊपर रोल्स हैं जिनमें से आके पानी निकलता रहता है और उसके साथ ये सेगमेंट्स आते रहते हैं जिसकी वजह से ऐसे शाइनिंग इफेक्ट आ रहा है। अमेजिंग है यार, अमेजिंग, ज़रूर आना यहाँ पर।
लोग जा रहे हैं बीच पे और गाड़ी मिली है हमें होटल की तरफ से, ये टुक टुक इससे जाएंगे हम लोग। मस्त गाने बज रहे हैं और ये हमें छोड़ेगी बीच पे, मतलब टुक टुक ऐसी छोटी सी है ये। गाइस ये है पटोंग बीच की मेन एंट्री, यहाँ से आज जा रहे हैं हम लोग पटोंग बीच को एक्सप्लोर करने और बाकी सारी जगह यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है घूमने की। अभी हम लोग आ गए हैं पटोंग बीच के पास बंगला मार्केट, ये नाइट लाइफ सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, अकेले भी आ सकते हो और जैसे हम लोग साथ में हैं वैसे भी आ सकते हो, सेफ है यहाँ पे। आपको बियर से लेकर सारी चीज़ें हैं, आप अगर ड्रिंक करना चाहते हो तो उसके ऑप्शन भी हैं, खाने पीने के भी ऑप्शन है, अडल्ट नाइट लाइफ भी है यहाँ पे। तो मतलब जैसे आप चाहो, जैसी आपकी प्रेफरेंस हो वैसे आप आ सकते हो और आप देख ही रहो इतना लाइव भी है कि मुझे थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, पर ऑल इन ऑल बढ़िया जगह है, एक बार आने वाला है यहाँ पे। और खाने पीने का भी अच्छी अच्छी जगह है, थोड़ी कॉस्टली है बट अच्छा है और अलग है। सो गाइज अभी बज रहा है 9:37 यहाँ पे। आज थोड़ा जल्दी वापस आ गए क्योंकि आज काफी सुबह उठे थे जल्दी, कल रात में सो नहीं पाए थे, काफी थक गए थे। और बंगला मार्केट तो आपने देखी कैसी है, जबरदस्त मार्केट थी, काफी मजा आया। और हम वही पुराने इंडियन रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे गाके हमने खाना खाया। आज लिया पनीर कुलचा और आलू पराठा और दो कप चाय मस्त। और मेरे पास एक शॉर्ट्स थे जो भाई लूज पड़ रहे थे जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, तो उसके चक्कर से एक बेल्ट लेनी पड़ी। और भाई बेल्ट बाकी सारी जगह पे इतनी महंगी महंगी थी, तो एक जगह पे मिली 100 baht की और थोड़े आगे आने के बाद पता लगा 100 baht की क्यों है। ये देखो भाई ये अभी आई ही है बेल्ट, एक बार ट्राई करिए और उसमें ये हालत देखो। पर कोई बात नहीं यार, काम चलाना है, कल इसी से काम चलाएंगे, नहीं तो वो शॉर्ट्स थे रह जाते। और बाकी कल हम स्कूटी रेंट करेंगे और आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे, अभी देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करना है। बाकी जैसा भी होगा कल अपडेट करता रहूँगा। और यहाँ तक ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, इस ब्लॉग को बांटो अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब ज़रूर करो भाई चैनल को। मिलते हैं कल, बाय बाय।